11 जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो आप लोग हैं कंपैशनेट, सबको साथ लेकर चलने वाले। अपने साथ जुड़े लोगों का आप पूरा ख्याल रखते हैं, बहुत ही केयरिंग प्रोटेक्टिव नेचर है। सेवा भाव काफ़ी है आप में। क्रिएटिव माइंड के हैं, हेल्पफुल होते हैं। मदद करते समय ये ख्याल रखते हैं कि नीडी पर्सन की ही मदद करें, ऐसे ही किसी की भी आप मदद नहीं करते कि कोई भी मदद मांगने आया और आप झट से उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। अगर आपको लगता है कि वाकई में उसे मदद की ज़रूरत है तभी मदद करते हैं। बहुत ही ध्यान से चलने वाले लोग हैं आप। रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। अगर आप इन्हें कोई काम देंगे तो ये पूरी देखभाल और अच्छे से उस काम को पूरा करेंगे। काम के मामले में आप पर हर तरह से भरोसा किया जा सकता है। ब्रॉड विजन है आपका, वाइडर, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझने लगते हैं, कंसिडर करते हैं उसे। आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, डीप अंडरस्टैंडिंग, मुद्दे की बात को आप क्विकली समझ जाते हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंड के होते हैं आप, दूसरों की सुनते भी हैं और अपनी बात को भी जो कहना होता है उसे अच्छे से समझाते हैं। जल्दबाजी में निर्णय आप नहीं लेते, सारी बातों को जांच परख करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। माइंड में आपकी क्लियरिटी रहती है कि किस डायरेक्शन को आपने चूज करना है, क्या करना है हमने लाइफ में। पूरे धैर्य के साथ लाइफ की आप डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए आप बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट स्किल आपकी बहुत अच्छी होती है, आपके काम में कोई कमी या गलती नहीं निकाल पाएंगे। काम को समाप्त करने से पहले आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया। जब तक आप स्वयं सेटिस्फाइड नहीं होते उस काम से, तब तक आप उस काम को आगे प्रेजेंट नहीं करते हैं। सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हैं आप, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड भी नहीं रहते हैं, खुद ही अपनी ज़रूरतों का सामान एकत्रित कर लेते हैं। आप लोगों के पास धन अच्छा होता है, समाज में आपकी खूब मान प्रतिष्ठा होती है। भावनाओं में बहकर आप किसी के लिए कुछ भी कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप मानवता की मदद करने वाले काम, सोशल वर्कर वाले काम ज़्यादा करते हैं, एनजीओ में काम करना, टीचिंग, नर्सिंग, जहाँ पे केयरिंग वर्क होता है वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। समाज की प्रगति के लिए काम करते हैं, आप लोग आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, क्रिएटिव वर्क वाले काम में आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। 11 जनवरी को जन्मे हैं आप। आपका मूलांक भले ही 2 बनता हो लेकिन इसमें डबल सूर्य की एनर्जी है, यानी कि आपको भगवान सूर्य देव का डबल आशीर्वाद मिला है। आप लोगों के अंदर सूर्य की प्रधानता अधिक होगी लेकिन अधिकता के कारण इसका स्वरूप बदल जाता है। एक अकेला सूर्य ही इतनी तपिश देता है तो यहाँ पर तो दो दो सूर्य का प्रभाव होगा जो चीजों को जला देगा। 11 तारीख को जन्मे जातक के अंदर चंद्रमा वाले गुण होंगे लेकिन गर्म स्वभाव वाला चंद्रमा होगा। चंद्रमा इमोशंस हैं, शांति, आध्यात्म, कूटनीति, डिप्लोमेसी का नंबर है, जबकि सूर्य की एनर्जी लीडरशिप क्वालिटी को, कॉन्फिडेंस को, फोर्स ऑफ नेचर को दर्शाती है। अब जो यहाँ पे एनर्जी यूज होगी वो आध्यात्मिक स्तर पर तरक्की पाने के लिए होगी, इसीलिए 11 के अंक को आध्यात्मिक नंबर माना गया है, स्पिरिचुअल नंबर माना गया है, एक बहुत ही पवित्र नंबर माना गया है। ऐसे लोग अच्छे समाजसेवी होते हैं। इन लोगों की कोशिश यही रहती है कि कोई भी इनसे नाराज ना रहे, जिस कारण ये अपने भावुकपने में, अपने जिद्दपने में, अपने अड़ियलपने में, अपनी इगोस्टिक नेचर के कारण अपने ही किए किराए पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि ये लोग तारीफ के भूखे होते हैं। इमोशंस में बहकर बड़े से बड़ा काम इनसे निकलवाया जा सकता है, इनको इमोशनल फूल आसानी से बनाया जा सकता है। और अगर ये 11 का अंक नेगेटिव हो गया तो ऐसे लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पाखंडी साधु संतों की लिस्ट में ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि 11 का ये अंक कोई साधारण अंक नहीं है, ये आप लोगों को अदृश्य खतरों से बचने की चेतावनी देता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से धोखाधड़ी की आशंका हमेशा बनी रह सकती है, मुकदमाबाजी हो सकती है, लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है आपको दूसरे लोगों के द्वारा, इसलिए आप लोगों को अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, अपने सूर्य और अपने चंद्रमा दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होगा। अब 11 जनवरी को जन्मे हैं आप, तो जनवरी का महीना मकर राशि से जुड़ा है। आपके सूर्य राशि होती है मकर, यानी कि कैप्रिकॉन। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, आपकी समाज में छवि कैसी रहेगी, ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक नंबर को ध्यान में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक, जो कि ईश्वर के द्वारा दिया गया, हमारी डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है, हमारी यात्रा है।
11 जनवरी को जन्मे स्टूडेंट्स को मकर राशि के शनि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार, अपने भाग्यांक के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए ताकि वे अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त कर पाए। शनि देव, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही उनसे फल पाओगे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 11 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा और अधिक गहराई से। आपका मूलांक बनता है 2, 2 का अंक यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। और वहीं दूसरी ओर शनि, जो कि दुख, संघर्ष, अंधकार, उदासीनता, इसे दर्शाते हैं। चंद्रमा और शनि कुंडली में अगर कमजोर या खराब स्थिति में होंगे तो ऐसे लोग दिशाहीन भी हो जाते हैं, मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपने लक्ष्य को या तो ये लोग पहचान नहीं पाते हैं या फिर अपने लक्ष्य से ये भटक जाते हैं। हर बात को फिर ये नेगेटिव वे में लेने लगते हैं। ऐसे लोग वहमी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन लोगों को अपना जीवन बार बार प्रारंभ से शुरू करना पड़ जाता है। मन में बेचैनी और अशांति इन्हें सोने भी नहीं देती है। दुख तकलीफ में पूरा जीवन ये गुजार देते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि इन तकलीफों से मुक्ति पाने के लिए ये आध्यात्म और चिंतन का मार्ग अपना लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर कुंडली में चंद्रमा शनि मजबूत स्थिति में होंगे तो इनकी विल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। बहुत ही एम्बिशियस होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन फिर भी दूसरों से ये प्रोत्साहन की उम्मीद हमेशा रखते हैं ये। वैसे आप लोग जिस काम को भी हाथ में लेते हैं फिर परफेक्शन के साथ कंप्लीट करते हैं। यहाँ चंद्रमा आपको पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। धन कमाने की चाह आपके भीतर बहुत ज़बरदस्त होती है, इसी कारण एक समय पर आप लोग अच्छा धन भी कमा लेते हैं। वैसे तो ये गुण एक सक्षम और संपन्नता का सूचक है, लेकिन व्यक्ति अगर अपने इन गुणों को संभाल नहीं पाता तो स्वयं ही अपनी संपन्नता को खो देता है। अतः आप लोगों को अपने आप को शांत वातावरण में रखना चाहिए, अपने चंद्रमा को ठीक रखें, अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों की यथासंभव मदद करते रहें। घर की नौकर, जमादार, चपरासी, यानी अपने किसी भी एम्प्लॉय की आप इंसल्ट ना करें भूलकर भी, और ना ही भूलकर भी कभी उनका पैसा मारें। वैसे तो आप लोग उदार होते हैं, कल्पनाशील भी हैं, मन की इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए उसी के सपने देते रहते हैं। भावुक बहुत होते हैं, इसलिए बात बात पर बहुत जल्दी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हैं। आप लोग अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपना सारा धन भी गंवा सकते हैं। सोच समझ कर खर्चा करने वाले ये लोग जब बात सम्मान की आती है तो अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे आप लोगों को धनवानों की श्रेणी में भी गिना जा सकता है। आपके रहन सहन, आपके पहनावे को देखकर लोग आपको धनवान ही समझते हैं। आप लोगों को बिजनेस से धन कमाने की बजाय अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी कला से, अपने कला के क्षेत्र से सफलता अर्जित करते ज्यादा देखा गया है। आपके मित्र अंक बनते हैं 1, 3 और 7। 1 का अंक सूर्य का, 3 का अंक गुरु का और 7 का अंक केतु का। 5, 6, 8 और 9 का अंक आपके सम अंक हैं। 5 का अंक बुध का, 6 का अंक शुक्र का, 8 का अंक शनि का और 9 का अंक मंगल का। ये अंक ना तो आपकी मित्रता में आते हैं और ना ही शत्रुता में। वैसे तो चंद्रमा के कोई भी शत्रु नहीं है, लेकिन 4 का अंक राहु का, जो यहाँ पर चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर राहु को शत्रु माना जा सकता है। वैसे भी राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की शक्ति को और ज्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। यहाँ अगर राहु चंद्रमा के साथ हुआ तो ऐसा चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा। रविवार और सोमवार आपके लिए शुभ दिन है। आपके लिए शुभ तिथि है 2, 11, 20 और 29।
आपके लिए शुभ रंग है वाइट, सिल्वर, क्रीम कलर, लाइट ब्लू शेड्स, वाटर कलर, लाइट ग्रीन शेड्स। आपको गहरे रंगों से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके अपने ही समय में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 दिसंबर से 27 जनवरी, 21 जुलाई से 27 अगस्त के मध्य जन्मे लोग। और अगर इस समय के बीच में 2, 11, 20 या 29 पड़ती है तो सोने पे सुहागा। इसके अलावा 21 जून से 27 जुलाई, 21 अगस्त से 27 सितंबर, 21 अप्रैल से 27 मई और 21 मार्च से 27 अप्रैल के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपका विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप इस समय के बीच में 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं या फिर कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।